एक तो छोटी हूँ और मैं थोड़ी सी मोटी हूँ। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बेल्ट जो मैंने, जिसको क्या बोलते हैं, नकल बोलते हैं इसको। और ये लेने के बाद जादू वाली फीलिंग आ रही थी लोगों को मेरे आसपास, बोले क्या खरीद लिया क्या। तो ये है अपुन का कलेक्शन। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के वीडियो में मैं मेरा बेल्ट का कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों के डीएम्स आते हैं कि, क्योंकि मैं बेल्ट बहुत पहनती हूँ मेरे आउटफिट्स पे, कि आपने ये बेल्ट कहाँ से लिया और आप कैसे सोचते हो कि ये बेल्ट इस पे पहनना है। आई डोंट नो, बट आई जस्ट थिंक कि आपका आउटफिट और आपके पर्सनालिटी, आपके लुक को ना एलिवेट करता है थोड़ा बेल्ट, आपकी वेस्ट लाइन वगैरह हाईलाइट करती है। सो मुझे बेल्ट पर्सनली बहुत पसंद है मेरे हर आउटफिट पे, तो मैं ऐसे कलेक्ट करते फिरती हूँ। सो आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। सो दिस इज माई येलो ड्रेस, बट इट्स अ नो नो बेल्ट। ये बेल्ट इस पे बिल्कुल नहीं जाता है, मैंने इसे पहना है आप लोग को दिखाने के लिए। तो ऐसे बेल्ट इस पे नहीं पहनते, इट्स अ फ्लोई ड्रेस, तो इसका जो फ्लो है ना वो दिखना चाहिए। बट अगर मैं ऐसे ही इसको पहनती हूँ, इट लुक्स काइंड ऑड, सो आई विल वेयर समथिंग एल्स ऑन दिस। तो इस पर्टिकुलर ड्रेस के लिए आई हैव चोजन दिस चेन बेल्ट। तो इसको ऐसे पहनना पड़ता है, तो ये जो इसका फ्लो है ना वो भी इंटैक्ट रखता है एंड गिव्स यू अ नाइस लुक। सो देखा, लाइक ये इसने इस ड्रेस को कितना एलिवेट कर दिया। अगर मैं ऐसे ही पहन रही थी ये ड्रेस तो ऐसी झल्ली लग रही थी, बट ये पूरा लुक ही चेंज कर दिया इस बेल्ट ने। तो ये बेल्ट मैंने अर्बैनिक से लिया है, ड्रेस भी मैंने अर्बैनिक से लिया है, एंड इट्स अराउंड 800 और समथिंग। बट आपको ये लोकल मार्केट्स में भी मिल जाएगा, थोड़ी क्वालिटी डिफर करेगी, बट ये क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। सेकेंड इज दिस ओवर साइज टी शर्ट शर्ट जो मैंने मिंत्रा से लिया था। और ये लेने के बाद जादू वाली फीलिंग आ रही थी लोगों को मेरे आसपास, बोले क्या खरीद लिया क्या ले लिया। बट आई एम इन लव विद दिस ओवर साइज ड्रेस, बहुत कंफर्टेबल रहता है और कहीं भी पहन के निकल लो। बट टू एलिवेट दिस लुक आई हैव टू बेल्ट स्पेशली, और वो बेल्ट बहुत काम के हैं। ये लाइक लुक ही चेंज कर दिया है मेरा। सो आई विल शो यू। सो दिस ब्रॉड बेल्ट, ये मस्त ऐसा चंकी गोल्ड इसमें है, तो ये थोड़ा बॉसी फीलिंग देता है, बॉसी लुक देता है। सो आप ऐसे पहनो इसको एंड थोड़ा सा सो मेजर जो मेरे बेल्ट का कलेक्शन है ना वो मैं लोकल मार्केट से लेती हूँ। जब भी मैं मुंबई जाती हूँ तो वहां ना मुझे बहुत अच्छे अच्छे बेल्ट मिलते हैं। बट अगर आप जा रहे हो मुंबई तो ना मेक श्योर करना आप जल्दी से ले लो, क्योंकि मैंने देखा है वहां पर ज्यादा नहीं होते। जिस अगर आपको कोई पर्टिकुलर कोई चीज पसंद आई ना, वो एक होगा या दो पीस होंगे उनके पास, बाकी नहीं रहेंगे, बाकी सारे कॉमन रहते हैं। तो मुझे जब भी कोई बेल्ट मिलता है मैं जल्दी ले लेती हूँ। ये मुझे कुछ 300 400 का पड़ा है गैस, मैंने मुंबई स्ट्रीट मार्केट से ही लिया था, एंड बहुत सही है ये। लाइक 300 400 में आपको इतनी अच्छी चीज मिल रही है तो और क्या ही चाहिए। सो थर्ड है ये ब्राउन बेल्ट, ये भी मैंने मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट से लिया है। ये काउबॉय बेल्ट है, बहुत सिंपल है बट बहुत एलिगेंट दिखता है, और ये वेस्ट लाइन बराबर वैसे ही हाईलाइट करता है जैसे मुझे चाहिए। सो दिस इज अ कॉर्ड सेट, मैंने अभी कुछ महीनों पहले खरीदा था, तो ये ना तब बहुत इन डिमांड था, लाइक बहुत लोग खरीद रहे थे, इसमें बहुत कलर्स थे, एंड यू आर सपोज टू वेयर दिस कॉर्ड सेट ऐसे ही। तो मैं एक तो छोटी हूँ और मैं थोड़ी सी मोटी हूँ, तो मुझ पे ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने इसको लाइक फॉर्मल इवेंट्स के लिए और यू नो थोड़ी पार्टीज वार्टीज के लिए इसको मैंने मेरे बेल्ट के साथ स्टाइल किया। तो मैंने ना इसमें गोल्ड बेल्ट ट्राई करे, मैं वो दिखाती हूँ आपको। दिस इज अ गोल्ड प्लेट बेल्ट, इसमें सिर्फ ये प्लेट लगी है इतनी। इसमें ना ऐसे वाले भी आते हैं जिसमें पूरी प्लेट लगी होती है एंड सिर्फ आखिरी में लाइक ये कनेक्ट करने के लिए रहता है, तो वो भी आता है, पर मुझे ये ज्यादा पसंद है। ये मैंने नागपुर के किसी लोकल शॉप से खरीदा, और ये ना साड़ीज पे भी बहुत अच्छा लगता है। तो जस्ट सी, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं है। मैंने ना पहले एक साड़ी पहनी थी ब्लैक कलर की विद गोल्डन ब्लाउज, एंड उसमें मैंने बेल्ट पहना था। अगर आपने देखा होगा ना, साउथ में बेल्ट का बहुत ज्यादा क्रेज है साड़ियों पे, तो उस पे ये बहुत अच्छा लगता है, मैंने उसके लिए लिया था। बट ये आउटफिट के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। सो इसको ना ऐसा क्रिस क्रॉस डिजाइन है और ये चेन दी हुई है, मैंने मुंबई के लोकल मार्केट से सोर्स किया है इसको। ये मुझे पड़ा कुछ
300 रुपए का, 200-300 रुपए का, बहुत दिन हो गए, बहुत आई मीन टाइम हो गया तो मुझे याद नहीं आ रहा है. एंड जस्ट लुक. तो अब आता है ये ड्रेस, ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था और ये थोड़ा बड़ा साइज है मुझसे, तो अगर मैं ऐसे पहनकर निकलू तो बहुत ही अजीब दिखता है मेरे पे. तो मैंने सोचा इसको, ये ड्रेस को पर्टिकुलरली बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ती है ऐसे टाइप के ड्रेसेस को, बट मुझे पड़ रही है क्योंकि मैंने यहाँ से स्टिच करने का भी सोचा, बट वो बहुत अजीब लग रहा था. तो इसको मैंने पेयर किया है मेरे इस बेल्ट से. ये ना मेरा सबसे पुराना, लाइक सबसे पहला बेल्ट बोल सकते, पहला नहीं पर मेरा बहुत ही पुराना बेल्ट है ये. और ये थोड़ा सा खराब हो गया है, बट ये फिर भी चल रहा है थोड़ा बहुत, दिखता नहीं है खराब पर हो गया है खराब. इसको क्या बोलते हैं, नकल बोलते हैं इसको. दिस इज अ नकल बेल्ट. इस लुक व्हाइट कलर होता तो वो ज्यादा अच्छा दिखता, बट सिंस आई डोंट हैव एनीथिंग इन व्हाइट, मेरे पास बेल्ट ही नहीं है कोई व्हाइट कलर का, अभी नेक्स्ट टाइम वो लूंगी. तो इट लुक्स लाइक दिस, अच्छा लग रहा है. सो इट्स अ लॉक बेल्ट, ऐसा लॉक लगता है. ये भी मैंने ना नागपुर के किसी लोकल स्टोर से लिया था, और तब ना मुझे ये दोनों बेल्ट बहुत महंगे पड़े थे. सी ये ऐसा लुक देता है, बहुत यानी बहुत महंगे. तब मुझे पता नहीं था, तब मैं मुंबई जाकर ही इतने सारे बेल्ट ढूंढने की थी, तो ये अराउंड मुझे कुछ 500 रुपीज़ की पड़ा, लाइक ये बेल्ट अलग और वो बेल्ट अलग, और ये मैंने तब के कोई आउटफिट के लिए लिया था. बट ये कैसा लग रहा है. अब आता है मेरा जम्प सूट, ये मैंने जूडियो से लिया था अंडर 999. तो ये बहुत कंफर्टेबल है, बट इसको ऐसे पहन के नहीं निकल सकते. इसमें ना उन्होंने एक ब्लैक कलर का बेल्ट दिया था, यानी वो जो कपड़े का बनता है ना वो आप ऐसे बांध लो, बट यार वो आई मीन ऐसे ही कॉमन लग रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लगा. तो मैंने इसके लिए दो लुक्स फाइनल किए हैं, तो मैं आपको पहला वाला दिखाऊंगी. सो दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बेल्ट जो मैंने लिया है जारा से. इट वॉज फॉर 2000, और ये देखते से ही मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक बहुत ही ज्यादा सिंपल है और एलिगेंट है. मुझे एलिगेंट ही पसंद आते हैं क्योंकि वो हाईलाइट कर देते हैं आउटफिट को. अब मैं इसको पहन रही हूँ. ये बेल्ट इसको चार चांद लगा देता है आउटफिट को, यानी ये ना मैं अच्छी कुछ फॉर्मल मीटिंग्स या यू नो पार्टीज वार्टीज में पहनकर जा सकती हूँ ये आउटफिट, इतना सही लगता है. अब ये तो हो गया शीक लुक, बट ये आउटफिट इतना कैजुअल है तो इसको कैजुअल लुक भी देना चाहिए. दिस बेल्ट अगेन मैंने ये लिया है मुंबई के लोकल मार्केट से, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, मैंने क्रॉफर्ड से तो नहीं लिया है. ये बेल्ट के साथ आता है, और इसके साथ ये एक छोटा सा बेल्ट है. ये डियोर का फर्स्ट कॉपी है, फर्स्ट कॉपी नहीं बहुत ज्यादा वाला कॉपी है, क्योंकि यू कैन सी ये बेल्ट ना मुझे नहीं पसंद, सबसे कम पसंद वाला बेल्ट है ये. इसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं है, बट देन मुझे आपको दिखाना था तो मैं दिखा रही हूँ आप लोग को. दिस इज द लुक. यहाँ पे पता नहीं मुझे मेरे माइक को क्या हो गया था, तो मैंने ना ये ब्लैक ड्रेस लिया था पुणे से, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि इसको स्टाइल कैसे करते थे, अनटिल मैंने एक कॉर्ड सेट के लिए एक बेल्ट खरीदा था. तो इसको ना कॉइन बेल्ट बोलते हैं, जिसमें काफी सारे फेसेस बने थे, तो मैंने इसको स्टाइल किया इस बेल्ट पे, और भाई जो लुक आया वो बहुत सही आया, तो अच्छा था इन्वेस्टमेंट ये वाला भी. तो अभी मैं कोई ड्रेस नहीं पहन रही हूँ, मैंने सिंपल व्हाइट टी ली है और पैंट्स पहने हैं. तो अब देखते हैं इसको कैसे हम एलिवेट कर सकते हैं. सो दिस इज अ ब्राउन बेल्ट, लाइट ब्राउन, ये भी मैंने मुंबई से लिया है लुक. तो ये पर्टिकुलर बेल्ट ना आई प्रिफर व्हाइट कलर में ही मैं पहनूं, क्योंकि व्हाइट कलर में अगर आप ब्राउन पहनते हो तो वो ना बहुत ही मस्त शीक लगता है. ये दूसरा बेल्ट है जो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, जो मैंने येलो ड्रेस पे पहना था. मुझे ना इसकी डिटेलिंग बहुत पसंद है. ये भी आप व्हाइट्स पे पहन सकते हो या फिर आप ब्लैक्स पे भी पहन सकते हो, बट मेक श्योर कि वो बहुत ज्यादा ब्लैक ना हो, ताकि वो कैमोफ्लेज हो जाएगा वरना. तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज माई कॉट सेट. ये मैंने खरीदा था, तब से मेरे फ्रेंड्स मेरे को बहुत चिढ़ा रहे हैं कि रणवीर सिंह सस्ती रणवीर सिंह बनकर घूम रही है. तो ये कॉट सेट ऐसे ही पहनना पड़ता है, इट इज मेंट टू बी ओवरसाइज. शर्ट को मैंने थोड़ा सा स्टिच करवाया है क्योंकि बहुत ओवरसाइज था, बट देन अब मैंने इसके साथ एक बेल्ट ले लिया है. मैं इसको ना टक इन करके भी पहनती थी, बट अभी बेल्ट के साथ दिखाते हैं. सो दिस इज द बेल्ट, दिस इज द ब्राउन बेल्ट. मैं जब ये शर्ट पहनती हूँ ये कॉट सेट आई मीन ये पैंट्स के साथ, मैं बेल्ट नहीं लगाती हूँ, मैं इसको टक इन करती हूँ. बट जब मैं ये शर्ट ऐसे ही पहनती हूँ किसी दूसरे ट्राउजर्स पे, तब मैं इस पे बेल्ट लगाती हूँ, तब क्योंकि वो टक इन करा तो अच्छा नहीं लगता है. ये मैंने नागपुर के एक लोकल स्टोर से लिया था. दैट वॉज ऑल फॉर टूडे गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड माई बेल्ट कलेक्शन. सो कीप फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक. और अगर आप न्यू हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन. ओके बाय.